फिलहाल में एक बड़ी खबर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आ रही है। यहां पर यूपीएससी का एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। कैसे इससे जुड़ी जो चीजें हैं उस पर हम एक बार देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया है कि एग्जाम जो 26 मई को होने वाला था उसको रिशेड्यूल किया जाता है जनरल इलेक्शन की वजह से, जो अब 16 जून 2024 को होगा। ये जो डिसीजन है ये जनरल इलेक्शंस की वजह से लिया गया है। जो भी इसमें एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे, इस साल यूपीएससी ने 1056 वैकेंसीज निकाली थी सीएससी के लिए और 150 वैकेंसीज थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। कारण पोस्टपोन्ड का अगर हम देखेंगे तो ये जो क्लैश हो रहा है जनरल इलेक्शंस के साथ, उसके साथ हो रहा है। यहां पे सिक्योरिटी एक स्मूथ कंडक्ट हो सके, दोनों ही इवेंट्स का एक कोई भी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कदम लिया गया है। एडिशनली हेल्थ सेफ्टी रहे स्टाफ की, कैंडिडेट्स की और बाकी सारी चीजों की। इसका इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे कि यहां आपको ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने के लिए, लगभग 3 हफ्ते का यहां समय बढ़ जाता है। इससे एडिशनल टाइम आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए, वापस से ट्रैक पर आने के लिए। स्टडी शेड्यूल में कुछ लोगों का यह डिसरप्शन देखा जा सकता है, पोटेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी यहां देखे जा सकते हैं। सो यहां पे आपको टाइम मिलेगा, जो ये एडिशनल 3 हफ्ते मिले हैं, जिसका मतलब होता है लगभग 21 दिन और 540 घंटे। तो इन घंटों का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 प्लस घंटे आपको यहां मिल जाएंगे और अगर आप 6 घंटे भी रोज पढ़ते हो तब भी आपको 120 एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स यहां मिल रहे हैं। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स। नाउ यहां पे स्टडी शेड्यूल में डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है कुछ की, जो टाइमलाइन टारगेट्स है, जो टारगेट लगा के पढ़ते हैं यहां पर, उसमें थोड़ा डिस्ट्रप्शन होगा। माइलस्टोन अचीव करने में थोड़ी सी यहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो सकती है प्लानिंग में। स्टूडेंट्स को अपना स्टडी प्लान यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। मोमेंटम में कमी आ सकती है, लेकिन यहां मोमेंटम कम नहीं करना चाहिए। यहां पे कुछ लैग हो सकता है, कुछ ब्रेक हो सकता है कंटिन्यूटी में कि अभी तो एग्जाम बाद में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर एंग्जाइटी स्ट्रेस हो सकता है। मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, मोटिवेशन भी कुछ स्टूडेंट्स को मिल सकता है कि यहां वो मेंटेन रख सकते हैं मोटिवेशन की, यस यू हैव मोर टाइम। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को यहां देखना पड़ेगा, अपने मेंटोर्स टीचर्स की गाइडेंस में आपको यहां फिर से वर्क करना पड़ेगा। सेल्फ केयर यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस लगे रहना बहुत जरूरी है ऑन द ट्रैक। कैसे बूस्ट प्रीलिम्स आप कर सकते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यहां जरूरी है इन 21 दिनों का। प्रीलिम्स के PYQs आप यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिसेंट जो ट्रेंड बदल रही है यूपीएससी में उसके हिसाब से रेगुलर रिविजन बहुत जरूरी है। यहां मॉक टेस्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट भी यहां होना चाहिए। कैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बूस्ट की जा सकती है, इस पर एनालिस्ट आईएएस का एक इनिशिएटिव है, जो है वो इनिशिएटिव आपको पर डे लाइव सेशंस में 100 MCQs यहां सॉल्व करते हैं और वो मेंस के थ्रू प्रीलिम्स में जाता है। तो मेंस के जितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सो यहां पर 100 MCQs के द्वारा आपके 100 MCQs भी सॉल्व होंगे, प्लस एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यू हैव सॉल्व द मेंस। सो इट्स इन द लाइव सेशन, प्लस यू कैन रिमेन अपडेटेड कोई टेस्ट सीरीज और एक टेस्ट शेड्यूल जो आपका जो स्टडी शेड्यूल है उसको मेंटेन करते हुए ये आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा समय है इसमें आप थॉरली वर्क करें, वीकर एरियाज पर फोकस करिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर बेटर प्रिपरेशन।